नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल इति गोस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे एपीवाई के बारे में कि एपीवाई क्या है, एपीवाई का जो हमारा पैसा कटा है अभी तक कुल कितना कट चुका है, और एपीवाई में हमारा नॉमिनी नेम क्या है, क्योंकि इन सारे चीजों की आवश्यकता तब पड़ती है दोस्तों। जैसे नॉमिनी नेम को अगर मान लिया जाए तो नॉमिनी नेम हम स्पेलिंग कुछ देते हैं और ब्रांच की तरफ से बाई मिस्टेक कर दिया जाता है, स्पेलिंग कुछ हो जाता है तो बाद में हमें चल के बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और स्टेटमेंट का दोस्तों कि जैसे हमारा पासबुक अगर ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो उसका स्टेटमेंट लेने के लिए हम काफी परेशान रहते हैं, तो उसी तरह इसका जो स्टेटमेंट है वो हम लोग को नहीं मिल पाता है ब्रांच से, वो पासबुक को एक एक करके जोड़ना पड़ता है कि कितना हमारा अभी तक पैसा कटा है। लेकिन इसमें हम सिर्फ एपीवाई का स्टेटमेंट देखेंगे कि अभी तक हमारा फिलहाल कितना पैसा कट चुका है और एपीवाई मेरा कब से चालू हुआ है। जब हम क्लोजिंग करवाने जाते हैं या बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि बिना हमें जानकारी का भी एपीवाई लागू हो जाता है, तो हमें ये चीज पता नहीं होता है कब से हमारा एपीवाई लागू हो गया है। तो इस सारे चीज को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे दोस्तों, तो हमारे वीडियो के साथ पूरा बने रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करने के बाद ही मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, लाइक अभी तो लाइक कर दें, नहीं तो फिर आप लोग बाद में वीडियो देखने लगते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सीधा एपीवाई को कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पे दोस्तों दो माध्यम से लॉगिन होता है। फर्स्ट होता है पैन कार्ड नंबर से, जो कि आपका पैन नंबर होता है उससे लॉगिन होता है, और आपको हम वीडियो के एंड में ये भी बताएंगे दोस्तों कि आपका पैन कार्ड कितना दिन में जनरेट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे नॉर्मली टाइप करेंगे एपीवाई, और एपीवाई करने के बाद एपीवाई पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और अगर आपके पास नहीं आता है तो एपीआई पैन नंबर लिख दें। यहीं पे आपको फर्स्ट जो वेबसाइट दिख रहा है npslite.nsdl, इस पे जाने के बाद आपको इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे एनएसडीएल की वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पैन कार्ड के नंबर से पैन नंबर के माध्यम से यहाँ पे सर्च कर देख सकते हैं, और दूसरे वहीं पे है क्लिक सर्च फॉर विदाउट पैन नंबर। तो विदाउट पैन नंबर में दोस्तों आपको क्या है कि नाम देना पड़ेगा और यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, जो बैंक अकाउंट से आपका एपीवाई हुआ है वो बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डाल देता हूँ, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जो कि आप डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली दें, जो पैन कार्ड जो आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ फिल करें। और उसके बाद व्यू ऑफ सब्सक्राइबर्स में आपको यहाँ पे स्टॉप व्यू में जाना है, और स्टॉप व्यू में जाने के बाद आप कब का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, वहां पे आपको फाइनली फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन आ जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर में चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 16-17 यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, तो कैप्चा फिल कर दें। जैसे यहाँ पे 65+8 बोल रहा है तो इक्वल टू करके यहाँ पे आप डाल दे, उसके बाद सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के बाद देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा, और इसके नीचे में आप जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डेट कब आपका यहाँ पे चालू हुआ है, और यहीं पे आपको बता देगा कि कितना आपका 2000, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था 2016-17, तो 2016-17 में मेरा कितना पैसा कटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 812 रुपया मेरा कटा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको मतलब 17 तक मैंने देखा है, 17 से 18 देखना है, तो उसके लिए फिर से मैं बैक जाऊंगा, और बैक जाने के बाद फिर से मैं वहां पे ये इसको यही रहने दूंगा, उसके बाद फिर से सबमिट करेंगे। तो सॉरी दोस्तों, ये सबमिट करने पे आपको वापस पहले वाला ही दिखा देगा। तो चलिए हम फिर से यहाँ पे बिना एक पैन नंबर के हम यहाँ पे सर्च करते हैं, और फिर से अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं, और अपना डेट ऑफ बर्थ फिर से डाल देना है, और स्टॉप व्यू में जाना है। स्टॉप व्यू में जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे 17-18 देखना चाहता हूँ, तो 17-18 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे फिर से कैप्चा डाल देना है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। और यहाँ पे आप जैसा देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे 2288 रुपया कट चुका है टोटल मेरा, जो है 2017 और 2018 दोनों मिला के हमारे यहाँ पे 288 रुपया कट चुका है। वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो
आपका कितना दिन में प्राण नंबर जनरेट होता है, तो ये प्राण नंबर जो है आपको 2 से 3 महीने में प्राण नंबर जनरेट हो जाता है। अगर आपका एपीवाई अभी हुआ है तो आप 2 महीने के बाद अपना प्राण नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्राण कार्ड नहीं डाउनलोड करना आता दोस्तों, तो इस वीडियो के एंड में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा जिससे आप प्राण कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।